बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। बेसिकली तो आज ईद का दूसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं अपनी बच्चों की फूफो के घर, और इसलिए हमने कहा आपसे ज़रा थोड़ा सा उनका भी शेयर करेंगे और अपना भी, और आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। और अब हम लोग जा रहे हैं उनकी तरफ, और ये देखें सब बच्चे तैयार हो चुके हैं, सब बच्चे तैयार हो चुके हैं और अब बस निकलने लगे हैं हम लोग। हम लोग निकलने लगे थे अपने बच्चों की फूफो के घर पे, और हमें एकदम फोन आ गया कि हम लोग आ रहे हैं, हम तो आपके दरवाजे के पास तकरीबन पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए हमारे आ रहे हैं अचानक मेहमान, तो इसलिए हम उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ पुलाव और अचार गोश बनाया है, और पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी हमारे गेस्ट आते हैं तो आप उनसे भी मिलवाते हैं और ईद की खुशियाँ आपसे शेयर करते हैं। गेस्ट हमारे आ चुके हैं और ये देखें जी, ये बच्चों से मिले, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो आप सबको पता है हमारा ये लड्डू है, और ये हमें ईद मिलने आए हैं। हम सब छोटे बच्चों से हमारे मिले, ये देखो जारा, हेलो बोलो, हेलो चलो। ये जो हमारी छोटी मेहमान है इसका नाम है इजू आयजा, इसको इजू कहते हैं, कोई इसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वैसे ये देखे हमारी बड़ी प्यारी सी गुड़िया सी है, ये देखे इसकी हरकतें चेक कर ले, ये मासूम बन के लड्डू बैठा हुआ है, बहुत ही मासूम है लड्डू सारा। शर्म आ गई है आपी की तरफ देखो, फूफो की तरफ, देखो।